Praise God, bro. Stan ko vote karo, of course. I see MC Stan. Please vote him. Nominations, it's a joke. Broke is a joke. Nomination is a joke. Andaman, Nicobar Islands, Nepal. Love to all over the world, man. Puri duniya ko pyar. Bahut zyada pyar. 36 chahiye bangle mujhko, 36 chahiye gaadi. Yes, sir. Kuch sawal pooch lo, dost. Thank you, the collab with Badshah was fab. I'm so thankful to everybody who featured on the EP, man. Like, everybody brought out their big guns. Sab apne sabse bade asle leke aaye the. Everybody took their time and likha is tarike se ki, matlab, they added value to my EP. The product is beautiful because of everybody's hard work, man. पर अभी हार्ड ड्राइव वॉल्यूम 1 ही खत्म नहीं हुई है, ये तो तुम्हें पता ही नहीं। अच्छा, 24 तारीख को भी एक गाना आ रहा है मेरा और यूनान का, अलग फ्लेवर का। देखो, मैं बहुत चीजें करता हूँ तो बहुत चीजें करता रहूंगा ऐसे। इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। कुछ न्यूज दे देता हूँ जो मैंने पहले बताई नहीं थी। एक्चुअली आई गेस अगस्त में मेरे पैर का मांस फट गया था, राइट वाले पैर का। तो एयरपोर्ट भी ट्रैवल, मतलब काफ़ी मुश्किल दिन थे। एक महीना बेड पे था, इस वजह से काफ़ी डिले हुआ। एंड देन बाकी चीज़ें चल रही थी। अब एक्चुअली अब क्या है कि अब सब ठीक हो गया, अब सब पैर वैर भी ठीक हो गया और सारी चीज़ें खत्म हो गई है। तो भाई एकदम छुट्टा सांड है। परमेश और प्रिंस के साथ भी गाना आ रहा है, मज़ा आएगा। वो उसका शूट भी हो गया, मेरे ख्याल से वो 4 या 5 दिसंबर को रिलीज भी हो रहा है, एज फार एज मेरे को जो लास्ट इन्फॉर्मेशन आई थी। कोई अच्छा सा सवाल पूछ लो यार मेरे पास ऐसे। अब देखो, मेरे को आजकल वाइब ज्यादा ये है कि मैं तुम्हें करके दिखाऊं, बोलूं कम, तो इसलिए मेरे पास बोलने के लिए इतना कुछ है नहीं। बट आई वुड लव टू आंसर सम क्वेश्चंस। दीप कलसी से रैप करवा दिया। ए एक्सी, वेलकम मैन। ऑफकोर्स दीप पहले रैप ही करता था, फिर वो रैपर्स की बीट बनाने लग गया और हम सब उसको बोलने लग गए हुक कर दे हुक कर दे, तो बेचारा गाता ही चला गया। तो उसकी एक्चुअल साइड निकाल के ले आए। दीप इज़ एन अमेजिंग राइटर। दीप हैज़ अ वेरी गुड वोकल टेक्सचर एंड आई एम सो ग्लैड इट वॉज शाइनिंग इन द ईपी मैन। यार इतनी मेहनत करके तूने इतनी बार गाली टाइप करी मेरे को, मेरे दोस्त राम का नाम ले लेता तेरा भला हो जाता। व्यूज ऑन हनी बाईज न्यू लुक बहुत कतल, ऐसा लग रहा है 15 साल पीछे चले गए टाइम मशीन में। और क्या चाहिए यार, एक बंदा अपने बारे में अच्छा फील कर रहा हो एंड ही इज विलिंग टू बी हंग्री फॉर एवर, बढ़िया चीज होती है। सॉरी काली हनी, कमिंग टू न्यूजीलैंड ब्रो। फेवरेट प्लेसेस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब आप न्यूजीलैंड पर लैंड करते हो तो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा होता है कि एक वॉलपेपर पर लैंड कर रहे हैं। थैंक यू फॉर ऑल द लव यू आर शावरिंग मैन। ऐसे दिल जा रहे हैं ब्लब 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 ब्लब। यार R&B कर दूं यार, बड़ा कंफ्यूज हूं मैं। मेरे को R&B करने का ही मन है, मैं काफी कुछ बना भी रखा है। क्या कहते हो, क्या कहते हो? R&B R डाल दो बस नीचे कमेंट में ना लगातार, अगर इफ यू थिंक आई शुड मेक एन R&B EP ऑल्सो, लाइक जस्ट मेक म्यूजिक मैन, यू नो व्हाट आई मीन। तो सहमति है अगर आपकी तो अच्छा, रा भी चलेगा, रारा लिख दो, रारा हो जाएगी फिर। फारिस भाई से कोलैब का आइडिया कैसे आया? यार मैं 8-9 साल पहले सुना था फारिस भाई को, कूल इट करके गाना था जिसमें वो बहुत किलर वर्ड, मतलब उनका वर्ड प्ले, उनका सब कुछ। तो आई ऑलवेज बीन एविड लिसनर ऑफ फारिस भाई और मेरे को हमेशा से था ही यार उनके साथ करना है। और वो हाथ बड़ी मुश्किल से आते हैं पर ग्लैडली ही वॉज सो नाइस टू मी मैन, आई कांट एक्सप्लेन। पता नहीं, बहुत ओके रिपोर्ट बंदा, बहुत ज़्यादा ओके रिपोर्ट बंदा, मतलब एक्साइटेड, खुश, कह रहा ब्रो मज़ा आ गया गाना करके, ब्रो मज़ा आ गया। तो वो एक्साइटमेंट जो सामने से, यू नो व्हाट आई मीन, अमेजिंग मैन। थैंक यू फारिस भाई, टू एवरीबडी वॉचिंग फ्रॉम देयर, थैंक यू।
जश्न हिप हॉप, सेलिब्रेशन ऑफ हिप हॉप मैन, रफ्तार एक्स किंग, बताएंगे नहीं कुछ, हो जाएगा कुछ भी कभी भी। भाई एपीआर ने मेरे को अभी कुछ दिन पहले मैसेज किया, कह रहे आप कब गाना भेजोगे। मैंने उसको बोला गाना तो तू भेजने वाला था, क्या हुआ। कह रहे ओ भाई मैं निकालता हूं गाना भेजता हूं। तो यहां पे बात आके रुकी हुई है। हाँ मैन, मेरे को बेशक फीलिंग यू लोनली ये सब वाली वाइब्स पे ना ज्यादा लाइट नहीं डाली मैंने आई बिलीव, तो वो जोन मुझे बहुत पसंद है। सो आई थिंक कर देनी चाहिए। रॉ, थैंक यू मैन। बारिश ईपी रिलीज क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो बादल चले गए ब्रो, वो वाले बादल चले गए, वो समा चला गया, इट्स इन द पास्ट नाउ। तो जितने गाने आए थे उसके साथ आई थिंक बारिश कल्मिनेट करके डाल देता हूं स्पॉटिफाई पे प्लेलिस्ट बना के। पर कोई नहीं यार, बारिश कम हुई थी ना, बौछार करेंगे। बारिश तो हल्की हल्की थी, मध्यम मध्यम। कुछ पूछ लो यार बढ़िया सवाल, उसमें तो कोलैब विद नेपाली आर्टिस्ट बिल्कुल कर सकते हैं यार। हिप हॉप तो एवर सिंस यामा बुद्धा मैन, आरआईपी। नेपाल की बैटल्स बहुत बढ़िया होती है जो ये आपस में करते हैं। दैट्स दिस आइकॉनिक बैटल आई हैव सीन, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। कुछ समझ नहीं आया मेरे दोस्त। सवाल भाई, कोई अच्छा रैपर हो उसकी आवाज खराब हो तो। खराब आवाज क्या होती है यार, आपको अपनी आवाज इस्तेमाल करनी आनी चाहिए बस। मेजरली प्रॉब्लम क्या होता है कि लिखते बहुत लोग बहुत अच्छा है, वो एक्सप्रेस नहीं करते उस बात को ढंग से, कि जिसे कहते ना तवज्जो डालना, वजन डालना उस पर, वेटेज। तो एक्सप्रेशन की गेम है सारी, आवाज तो सारी अच्छी है ब्रो, आपको पता भी नहीं कि आपकी आवाज किस म्यूजिक के लिए बनी है, यही आपको खोजना है। ये सबसे पहली लड़ाई है, दैट्स द बिगेस्ट फाइट। व्हेन यू आर बिकमिंग अ रैपर यू नीड टू फाइंड योर वॉइस मैन। आई हैव मल्टीपल, टुक मी टाइम। और कोई बढ़िया सवाल, ये देखो बढ़िया सवाल था ना ये, कुछ अपने लिए पूछो यार, काम की चीजें। स्टैन के साथ कब, अरे यार स्टैन को जीत के आ लेने दो, बाहर क्यों बुला रहे हो जल्दी जल्दी। राइक्स 47 भी हो चुका है, चंडीगढ़ में शो जल्दी लगाएंगे भाई, अब तो सीजन खुला है ग्लैडली। कोरोना के जो इफेक्ट्स थे वो अब जा रहे हैं। द शो बिज मार्केट इज बैक ऑन ट्रैक, आई कैन सी अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट परफॉर्मिंग। आई कीप मीटिंग आर्टिस्ट एट द एयरपोर्ट पे मिलते रहते हैं, कोई ना कहीं, कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहा होता है। तो अब समा खुल चुका है यार, सबके लिए प्रेयर्स और ब्लेसिंग्स है मैन। रोटी से किसी की लड़ाई नहीं है, खुले छापो। थैंक यू मैन, आई एम ग्लैड यू एंजॉय द ईपी। रफ्तार एक्स मी रैपर रोहित, ये भाई ऐसे होगा कि मुझे ऐसा कुछ तेरा सुनाई दे जाना चाहिए कि मैं बोलूं कि यार ये क्या लड़का है, इसके साथ गाने करते हैं। मैं मेरी ईपी चेक कर लो यार, मैं जिनको सुनता हूं मैंने उनके साथ गाने किए, पहले भी ऐसी की है कि वाइब से गाने करता हूं मैं। फोन पे अच्छे से मिक्स मास्टर कैसे करें, अच्छे से तो नहीं हो सकता, तरीके हैं यूट्यूब पे बहुत ट्यूटोरियल्स हैं, पर एक अच्छा काम हो सकते हैं, पोस्ट करने लायक हो सकते हैं। एक रैप मास्टर क्लास दे दो फेंटो। भैया बीट प्रोड्यूसर बनने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स आने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं ब्रो, पर म्यूजिक और मेलोडी और रिदम की नॉलेज होनी चाहिए। मैं म्यूजिक बनाता हूं, वन आई प्रोड्यूस, मेरे को कीबोर्ड भी बजाना नहीं आता। हाँ आप ऐसा है कि मैं ऐसे फिंगर्स से वो रख के दो चार नोट एक साथ प्रेस करके गैस कर सकता हूँ कि ये एक अच्छा कॉर्ड बन रहा है, पर आई कांट नेम द कॉर्ड। मैं ये नहीं बोल सकता कि ये ऑगमेंटेड है या डिमिनिश्ड है या क्या है, इतना ऐसा कुछ भी नहीं आता मेरे को, पर मेरे कानों को सुर का मतलब नॉलेज है, तो आई कैन प्रोग्राम इट रियली वेल। और ह्यूमनाइज करना मैं सीख गया हूँ कि म्यूजिक ऐसा नहीं लगना चाहिए कि लूप्ड है, मतलब वो होता है स्विंग वगैरह, सीख जाओगे यार, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बस करते रहो। काम मैंने मिक्स क्राफ्ट पे स्टार्ट किया था, मिक्स क्राफ्ट 3 पे, अडोब ऑडिशन में रिकॉर्ड करा करते थे,
उससे भी पहले वर्चुअल डीजे पे सीधा ट्रैक लगाया इस तरफ और आर का रिकॉर्ड का बटन दबाया उसमें और माइक से ही गा दिया। रास्ते खोजने पड़ेंगे ब्रो, नहीं है तो खोजने पड़ेंगे। ओ जी यार, मैं तो मनमोजी हूँ। ओ जी मनमोजी, अगर मैं कभी कोई कॉमिक बनाऊंगा ना, कैरेक्टर का नाम यही होगा, ओ जी मनमोजी। दोस्तों एक मैंने बहुत भारी चीज करी है, बहुत भारी, वो बता नहीं पा रहा हूं बस, तब तुम्हें पता लग जाएगा कि रफ्तार कहां गायब था पीछे। छाती चौड़ी कर देंगे। मे आई नो विच डॉ यू यूज नाउ? ब्रो आई मोस्टली यूज लॉजिक प्रो, बट ऑफ लेटली आई ऑल्सो स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग नो चाइना। आई स्टार्टेड द प्रोडक्शन ऑन एबल्टन लाइव, सो देयर यू गो। इन फैक्ट या मेरा पहला गाना जो एबल्टन के पे करके रिलीज हुआ है वो नो चाइना था, पर मैं ड्रम्स से बिल्कुल खुश नहीं था। दैट्स व्हेन फ्रिस केम इन एंड फक द थप, फक दैट फ्रिस्क। ये ले भाई, इसमें से अपना टैग काट लियो। फ्रिस्क, फ्रिस्क ने बोला था भैया मेरे को एक टैग बना के दे दो, जैसे आपने फक दैट फ्लेक्स बोला है। ये ले, दोबारा से आराम से बोल देता हूं, फक दैट फ्रिस्क। कोलकाता में कब आओगे? 24 दिसंबर एज पर एज ऑफ नाउ जो मुझे पता है 24 दिसंबर मैं कोलकाता में हूं। और बेंगलुरु स्टेपिंग आउट का तुम्हें पता ही है, टेक ऑफ है, ट्रॉय बॉय है, सब है भाई, अपने बंदे भी सारे। अब नाम तो अंगिनत नाम है, कृष्णा है, डिवाइन है, स्टीव आयोकी है, निखिल भाई और रन भाई उसको होस्ट कर रहे हैं, तो अपना तो घर आने वाला है वहां पर सारा। सुमयोकी है मेरे को उसने बताया, आई रिमेंबर सुमा इज परफॉर्मिंग। ड्रिल ईपी डाल दो, ड्रिल इन नायर, बिना बोले बस ऐसे ही करता रहा करो, मांगते रहा करो, फिर उसके बाद ना मैं उसका सार बना ले। तुम बोलते रहते थे भैया गाने बना के हार्ड ड्राइव में रख लेते हो, क्या फायदा। देयर यू गो, आई लिसन टू यू गाइस मैन, मैं सुनता हूं आपकी। बस चीजें भी और चल रही होती है ना, पर अब सिर्फ तुम्हारे लिए हूं मैं। होल एंड सोल ऑल योर्स रफ्तार, आओ जब पी पाए। यार अंकित ने भी इंस्टा पे है ही नहीं वो, वरना मैं उसको ऐड करता। वो करता बढ़िया बढ़िया बातें, वो ही पूछ लेता सवाल कुछ। बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे बनाते हैं ब्रो? उसे इंस्ट्रूमेंटल कहते हैं, और बहुत तरीके हैं। आप गूगल कर लो हाउ टू मेक अ हिप हॉप बीट, आपको 25,000 तरीके मिल जाएंगे। कम ही बोल दिए मैंने, कहा है भाई सवाल करो सवाल। प्यार तो बहुत आ रहा है, ऑन गॉड इतने दिनों के बाद इतना सारा प्यार मिल रहा है। इतनी मोहब्बत की आदत नहीं, मैं डरता हूं कर लीक लीक लीक। सवाल सवाल, मैं पीछे जाके देख लेता हूं यार, बड़ी तेज तेज सा मीटर चल रहा है। एक दिन आपके साथ मेरा कोलैब जरूर आएगा, बिल्कुल आएगा ब्रो। ताबड़ तोड़ कर दे, मतलब मजबूर कर दे मेरे को कि मैं पूछूं कि रक्ष कोलैब कर ले यार प्लीज, ऐसे गाने डालो दोस्त। मैंने इस बारी इस ईपी के साथ यही बात प्रूव करनी थी कि प्रोडक्ट बोलता है, काम बोलता है सबसे ज्यादा। बहुत यकीन दिलवा दिया तुमने, यू गिव मी अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइज। मैं ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट ट्रस्ट मी यू गाइज बॉट मी बैक एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल मैन। मतलब मेरे अंदर का शैतान बॉय तुमने निकलवा दिया। मुझे तो वैसे बड़ा मजा आ रहा था, घना कसूता लकेसे, बहुत मजा आता है उस पर यार। तुम 100 मिलियन करवा देते हो, क्या करें, पर वैसे गानों पे हो जाते हैं 100 मिल, ऐसे गानों पे होना है मुश्किल। गाना का डेमो लेबल पे कैसे पहुंचाएंगे? भाई गूगल करो, एकदम लिंक्डइन पे जाओ, ईमेल आईडीज निकालो वहां पे काम करने वाले एनआर मैनेजर्स की, एनआर रिप्रेजेंटेटिव्स की, और उनको मेल करो अपने ट्रैक। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने इक्का गोलू वाले जो गाने थे वो 2009 में ही
मेल करे थे जी को एक आईडी से, और बहुत वाना भी इंग्लिश इंग्लिश लिख के यो यू शुड चेक इस आउट, वे किलिंग इट आउट हियर इन द स्ट्रीट्स, ऐसे कुछ कुछ लग के करा था, और उसके बाद मैं जी से ही साइन हो गया। लाइफ वर्क्स ब्यूटीफुली मैन, सर्कल ऑफ लाइफ, मेरा तो होता ही रहता है। सवाल सवाल भाई, डिस्क्स ट्रैक कब आएंगे? डिस्क्स भाई, डिस्क डिस्क पर राइट करके तुम्हें ट्रैक दे देते। रफ्तार भैया अपने आर्ट की दबा के प्रमोशन किया करो। अरे नहीं नहीं बात ऐसा नहीं था कि प्रमोट नहीं करना भाई, देखो ऐसा होता है कोई कंपनी होती है, कोई भी ब्रांड ले लो, वो बिलबोर्ड खरीदते हैं जो सड़कों पे होते हैं, और पहले ऑयल इज द न्यू किंग था, अब डेटा इज द न्यू किंग है, जो लोग समझदार हैं वो ये बात समझते हैं। तो एड्स तो बेसिकली एक डायरेक्टिव है कि आप उसको देखो और आपका मन करे कि ये देखनी है, जैसे आप जाके बोलते हो मुझे कोलगेट ही चाहिए, पेप्सोडेंट ही चाहिए, कुछ भी, मतलब जो आप बोलते हो कि लेज ही लूंगा, नीले वाला ब्लू वाला अंकल चिप्स ले आइयो, ये सब ब्रांडिंग का कमाल है मेरे दोस्तों। मॉन्स्टर के स्टॉक्स ने ऐसी थोड़ी छत फाड़ी है। तो प्रमोशंस आर नॉट बैड मैन, और आज की डेट में अब भी कोई बोले ना कि व्यू खरीद लिए वो खरीद लिए, व्यू व्यू नहीं खरीदे जाते, यूट्यूब को पैसे देने पड़ते हैं आपको, जितने भी वीडियोज आप बनाते हो, जितनी भी उस पर इनकम आती है, जितने उस पर नेचुरल एड्स लगते हैं, उसका रेवेन्यू आपके पास आता है। अब आप व्यू खरीद लोगे उस पर इतने नंबर होंगे तो फिर आपके पास रेवेन्यू नहीं आएगा, और वो व्यू नकली होंगे तो यूट्यूब ऐड लगा के अपनी जगह के पैसे नहीं ले पाएगा। इट्स ऑल कनेक्टेड मैन, वो सब वाले जमाने चले गए दोस्त, वो आते हैं फिर चले आते हैं। देखे हैं मैंने काफी बढ़िया लोगों के अकाउंट एकदम ऊपर जाते जाते इंस्टाग्राम के, फिर जब उनके कमेंट देखते हैं तो उस पर सिर्फ दिल 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 हट 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 दिल दिल, और सोलो पिक्चर डाली होती, नीचे कमेंट होता है व्हाट अ कपल व्हाट अ कार। देखा है मैंने अचानक से जो 20 के बढ़ जाते हैं, फिर 20 के गिर जाते हैं, फिर 25 बढ़ जाते हैं, 25 गिर जाते हैं, 40 बढ़ जाते हैं, 40 गिर जाते हैं, देखा है मैंने। ये इतनी लंबी जीभ नहीं है मेरी, मैं खुद की चाट हूं, जबान साफ करनी पड़ेगी थोड़ी, सीख रहा हूं थोड़ा, निकल जाता है इधर उधर निकल जाता हूं। असम आने का क्या सीन है? अभी गुवाहाटी आके गया दोस्त, अभी ब्रीजर विविड शफल एंड वी किल्ड इट, इट वॉज जैम पैक्ड। उस वेन्यू का पहला शो, मतलब वो वेन्यू अब नया खुला है, उसमें जो पहला शो हुआ है वो हमारा ही हुआ था, उद्घाटन किया हमने उसका। बेला बेला बहुत टैलेंटेड है मैन, बहुत सारा टैलेंट के साथ ना ये कर्स आता है कि आप बहुत सवाल करते हो अपने आप से, सिर्फ उसकी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे साथ भी है, बस कुछ लोग एक्सप्रेस कर देते हैं, कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग समझ जाते हैं कि कहां करना है कहां नहीं करना। बेला इज नॉट रॉन्ग इन एनी केस मैन, ही इज एन आर्टिस्ट, ही गोज थ्रू अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस, दैट इज ऑल ऑफ अस, हम सारे ही ऐसे हैं, कोई भी नहीं। इतना आसान थोड़ी है सोशल मीडिया पर, जब बंदा पढ़ता रहता है कि वो ये बोल रहा है वो ये बोल रहा है, एंड वेन यू आर हंग्री एंड वेन यू फील लाइक कि ये मेरी ये जगह है, मैं इसको डिजर्व करता हूँ, मुझे नहीं मिल रही है, तो उसका गुस्सा होना जायज है ब्रो, वो कुछ भी बोले। पैराडॉक्स रफ्तार, स्क्वायर रफ्तार, नास, टैन, ये तो पूरी ईपी बता दी तूने अपनी पर्सनल, कुछ भी हो सकता है ब्रो, मैं तो ओपन हूं, गाना बढ़िया होना चाहिए, मजे आने चाहिए। वो राशा के इंट्रो में जो यूज किया, किसने सजेस्ट किया यार? वो मेरा फेवरेट मीम है, डोंट एंग्री मी आई हेट मी आई हिट मी, वो मेरा फेवरेट है ब्रो वो मीम, तो वो मैंने बचा के रखा हुआ था कि किसी ना किसी मस्ती वाले गाने में डालूंगा। अब जब मैंने और बादशाह भाई ने गाना किया तो हमें अचानक से रियलाइज हुआ कि यार मैच्योर रैप करने का कितना अच्छा स्पेस है, मतलब सक्सेसफुल रैपर्स की पहली ब्रीड है हम, हमें वो सेलिब्रेट करना चाहिए, दैट्स व्हाट दैट सॉन्ग वॉज अबाउट, मतलब यस वी आर द फर्स्ट ब्रीड ऑफ सक्सेसफुल रैपर्स। तो या मैन फील्स गुड, कज दैट रफ्तार्स लाइन तो क्या मैंने टपा ली? अरे यार वो एक्चुअली कर्मा के साथ ऐसा हुआ कि सेहूला उसके साथ ऐसा हुआ कि उसको ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि मेरा वो गाना रिलीज नहीं है, जो तुम्हारी प्रॉब्लम हो उनकी भी है, इतने गाने बना रखे हैं
बाहर नहीं आते, तो उसको लगता है शायद रिलीज दी है, तो उसकी लाइन थी क्या था, चेक थेक करे फ्लिप ऑन किला शिट, मैं भी दूंगा हिला शिट खाए बिना शिला जित, ऐसे कुछ था। What do you think about a fresh take on drill beat? Bro, सबका ही अलग फ्लो होता है ड्रिल बीट पे या किसी भी बीट पे, इस पे फ्रेश मेरे टेक की जरूरत नहीं है। Everybody is doing their thing. 10 पे 10 आउट हो चुका है, आउट हो चुका है 10 पे 10। Check it out. Krr. Gangnam. भैया इंडिया में वो हिप हॉप कब देखने को मिलेगा जिस एक्चुअल रीजन से हिप हॉप स्टार्ट हुआ था? मेरे दोस्त, पहले मैं शायद बात बोल चुका हूं पर इस चीज को आप रियलाइज करना, जो वहां का 60s से लेके 22 ये जो साल चल रहा है, 60s सदी की बात, 1960 की बात कर रहा हूं, वहां से लेके अभी तक जो हिप हॉप इवॉल्व हुआ, वो जो उनका पीरियड था ना, वो पीरियड कितना लंबा था आप देखिए, और उसके बीच में उन्होंने कितनी ग्रोथ करी वो देखिए। अब जो पिछले 15-20 साल कुछ नहीं भी, कुछ जितने भी लगा लो 15-20 सालों के अंदर हमने वो सारा टाइम उनका 60s से लेके 22 तक का हमने 15-20 साल में कवर कर दिया। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं दोस्त, कि अब हम उनके साथ कोलैप्स कर पा रहे हैं, हम थर्ड वर्ल्ड नहीं लगते, पारी पे आते हैं। आप मुझे अपने पास बुला लो, रैप सिखा दो, मुझे ढूंढ ले भाई, आजा। दोस्तों आपका मुझ पावरफुल लग रहा है, हाथ लगाने यार वो आदत हो जाती है, आई एम सो सॉरी, अब नहीं छेड़ूंगा। इट्स लाइक वो हो जाती है ना जब तुम जुल्फिकर हो रखे होते हो कॉलेज में, वैसी नहीं छेड़ूंगा। भाई देखो दिल प्यार हार्ट इमोजीज आई लव देम, पर मैं इस पे रिस्पॉन्ड क्या करूं, ब्लश ही कर सकता हूं मेरे दोस्तों। अरे यार मैंने सोचा नहीं पहले, आई कुड हैव एडेड कृष्णा मैन एंड ही कुड हैव सेड समथिंग अबाउट हिज ड्रॉप, दैट टोटली स्किप्ड माय माइंड मैन, मैं हूं भी काफी दूर। योर ओपिनियन ऑन न्यू स्कूल इमरान खान सॉन्ग्स, सबर करो दोस्तों, आई के भाई के क्या कहने, सबर करो। ये प्रिया वाला बहुत फनी था यार। अरे पूछ लो कुछ यार। अच्छा आपको मैंने फर्स्ट टाइम तेरा दीदार हुआ सॉन्ग में देखा था, यस ब्रो, वो सेम जैकेट थी वो, मैं अब उसकी एक अलग स्टोरी बताता हूँ, ये तो सबको पता है कि मैं उसमें मैं डांस कर रहा था इमरान हाशमी जी के पीछे, और जीशान आयुब भी था मेरा भाई, ही वॉज सो काइंड जीशान, वी स्पोक देयर ऑल्सो, प्रॉब्ली ही डजंट इवन नो और रिमेंबर दिस पार्ट, बट या मैन, और शूट पे वो जो जैकेट थी मेरी ग्रीन कलर की, वो DID डबल्स के जो फिनाले हुआ था उस पे उन्होंने हमको दी थी, और वो इतनी अच्छी लगी कि मैंने उनसे मांग ली कि मैंने कहा आप प्लीज मुझे दे दोगे, तो उन्होंने मेरे को दे दी थी। दैट वाज द सेम जैकेट, सो प्रॉब्ली दैट जैकेट इज लकी, आई वाज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा ट्वाइस विद दैट जैकेट। कलमकार मर्च, सर मैं आपको बर्थडे पे कितना सारा मैसेज किया आप नहीं देखे, मैंने काफियों का नहीं देख पाया पर मुझे पता है आपने प्यार भेजा, थैंक यू फॉर ऑल द विशेस मानसी जा, बहुत शुक्रिया आपका, खुश रहो यार, खुश रखते भी हो आप। चलो फिर ऐसी निकाल दिए 25 मिनट, खुश ज्यादा हो गए तुम, मेरे को ऐसा लग रहा है कोई फालतू का सवाल नहीं आ रहा, वैसे तो चश्मा कौन सा है, फक ऑल द बुलशिट डिजाइनर। औजला रफ्तार, आराम से ब्रो, आराम से, कुछ भी कभी भी हो सकता है,
अब क्या हो गया ना, सब मैच्योर से हो गए हैं, सब अपने अपने गाने बनाते हैं, वाइब बनाते हैं, और फिर जब गाने एक दूसरे को सुनाते हैं तो जो चीज़ की वाइब मैच होती है, जैसे टॉप ऑफ मेरे को वैसे ही सुनाया था इक्के ने, मैंने टॉप ऑफ सुन के बोला भाई मेरे को करना है, और उसने मेरे को हाथों हाथ वो बीट भेज दी। पंजाबी पंजाबी वर्स भी कट दांगे पक्का छेती। माय गॉड, एनी क्वेश्चंस गाइस? अगर आपके दोनों हाथ फ्री हैं तो फोन कैसे, ये तो पीछे मैंने एक और पानी की बोतल में लेके आया था, तुम भी एक एक काम करो, पानी की बोतल पी लो, पानी की बोतल मत पी लो, पानी पी लो। तो मैं एक बोतल पीछे रखी हुई है, उस पे ऐसे प्यार से टिका रखा है, तभी ज्यादा हिल डुला नहीं रहा इसको, जगह को बिल्कुल बढ़िया हो रखा ना, दिलिन नायर नायरियल। नारियल और मैं कितने बढ़िया लगते हैं साथ में, स्क्रीनशॉट। टॉप ऑफ की वीडियो कब? टॉप ऑफ की वीडियो तो होने वाली थी, दिल्ली पहुंच चुका था इक्का, बता चुका है, इक्के का दिल टूटा किसी वजह से उस दिन, किसी वजह से वीडियो नहीं हुई, तो उसने ही मेरे को बोला कि भाई तू आया, मुझे बुरा लगा, मैंने कहा कोई बात नहीं, दैट्स इक्का। फिर हम वापस आ गए, मैंने डिसाइडेड कि अब करनी नहीं है, क्योंकि बनता भी नहीं है यार बंदा आगे चीज़ों पे ध्यान दे, पिछले में ही करे फिर उसके बारे में बुरा फील करे, क्यों ब्रो, उसके पास सागर है बहा देगा। दोस्तों ऐसा करता हूं मैं चलता हूं, क्योंकि देखो मैं अब सिर्फ काम तुम्हें दूंगा, पहले से ही शोर नहीं मचाऊंगा यार। टैटू पहले भी मेरे को डलवानी नहीं थी, उन्होंने डाल दी थी, मैंने रिक्वेस्ट करके उनसे उतरवा दी थी टैटू की फोटो, टैटू इज फॉर मी, इसलिए नहीं दिखा सकता, तुम्हें पता है क्या टैटू है, बट ठीक है ना, ठीक है। ब्रो व्हाट्स योर थॉट्स अबाउट कन्नडा हिप हॉप और बैंगलोर सीन्स? ब्रो इट्स अमेजिंग मैन, यू गाइस गेव अस ब्रदर, वी डू आई नीड टू आंसर मोर? तुम्हारा बिज्जू भी तो कितना पॉप करता है, एमसी बिज्जू शायद नाम है इसका ना। दिल्ली शो दिल्ली शो दिल्ली शो, कलमकार का टूर कर देंगे एक प्लान सा करके कुछ, पर सिर्फ ऐसे एक टूर नहीं यार, कुछ ऐसा होना चाहिए कि मतलब वहां और भी चीजें करने की हो, मतलब एक पूरा डे हो तुम्हें, थीम पिकनिक पिकनिक जैसा आइटम लगे, थीम के एडवेंचर पार्क आए हो तुम, कुछ वैसा वाइब हो कि एवरीथिंग इज डिसाइडेड, इसके बाद ये करेंगे वो करेंगे, कुछ अनरिलीज लिसनिंग हो। अंकित देख रहे हो तो ये देख लेना भाई कि कुछ ऐसा ऐसा कुछ करेंगे कि स्पेशल जो अपने बंदे आए हैं उनमें से सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स को हम ले जाए और है ना अनरिलीज की लिसनिंग करें, उनको वो गाने सुनाए जो शायद कभी आएंगे ही नहीं। यस माय ब्रदर्स, चलो गाइस वी आर अबाउट टू हिट 6, यू जस्ट गेव मी लव, देयर वर नॉट मेनी क्वेश्चंस, आई एम सो ग्लैड, आई थिंक माय ईपी हैज आंसर्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, एंड और ईपी में डेफिनेटली जो बोलते रहते हैं शॉर्ट से बहुत जनरल लाइन है ब्रो, जब हम पहले भी बोला करते थे ना कि तू, वो तू कोई भी हो सकता है, जो अपने पे लेना चाहे ले ले, हिप हॉप हैज ऑलवेज बीन लाइक दैट, हु इज एमिनम टॉकिंग टू ऑलवेज, आई डोंट नो, इट्स दैट फिगर ऑफ हेट, हूएवर इट मे कंसर्न। बस यस, आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड लीव यू विद द नोट कि यू गाइज ब्रॉट बैक माई स्माइल मैन, यू गाइज गॉट मी स्माइलिंग अगेन, आई एम रियली ग्रेटफुल, मजे करते रहेंगे हम मिलके। बिग लव बिग लव बिग लव कलमकार, 10 पे 10 चेक करो जाके।